ब्रज की लीलाओं में करते हैं, बहुत सी लीलाएं हैं। ठाकुर जी की लीलाएं आगे बढ़ी और ब्रज की उस ग्वाल वालों के साथ लीला को थोड़ा विश्राम दे करके अब ठाकुर जी आगे बढ़ने की तैयारी में। 7-8 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। अब कर्म पथ पर भी बढ़ना है, धर्म पथ पर भी बढ़ना है, धर्म पथ को भी चुनना है। मैया यशोदा का प्रेम वात्सल्य, गोपियों का अपार प्रेम, ग्वाल वालों का वो स्नेह, ब्रज की गलियों में वो घूमना, मीठी बांसुरी की तान बजाना सुनना, गौ चराने के लिए दौड़ जाना नंगे पैर, और फिर भाग कर ऐसे जैसे बछड़ा गाय की तरफ भागता है वैसे अपनी माँ के लिए भाग कर कन्हैया आते और गोद में बैठ जाते। मैया मोहित तेरे बिना चैन नहीं पड़े। मैया भी जब तक कन्हैया नहीं आए तो बाट देखती रहती थी, द्वार पर बैठकर बाट देखती, निहारती रहती, क्योंकि कन्हैया के सिवाय कुछ है ही नहीं जीवन में, ऐसा समस्त ब्रजवासियों को लग रहा है। और इतना प्रेम जहां हो और वहीं हमारा प्रेमी, जिससे हम प्रेम करते हैं चाहे वो किसी भी रूप में है, अब हमेशा के लिए जाने वाला है। अक्रूर जी को कंस महाराज ने भेजा, जाओ जाकर उस ब्रज भूमि से सब ग्वाल वालों को निमंत्रण देना, पर कृष्ण और बलराम को लेकर आना और ये निमंत्रण देना कि मैं विशाल धनुष यज्ञ कर रहा हूं मथुरा में। अक्रूर जी पहुंचे शाम को, भोजन के पश्चात नंद बाबा से सारी बात कह दी। विश्राम करने से पूर्व नंद बाबा के पास बैठकर कहने लगे, अरे नंद बाबा, कंस महाराज का आदेश है, आप सबको चलना है, धनुष यज्ञ है, ये निमंत्रण लीजिए। निमंत्रण दिखाया और साथ में ये भी कह दिया कि ये आदेश भी है, तो नंद बाबा वहीं के वहीं सहम गए, झिझक गए। अब ये आदेश है तो कोई न कोई इसमें कारण भी है। मेरे बाल गोपालों को क्यों बुलाया, छोटे छोटे बालकों को क्यों बुलाया है उस यज्ञ में? हम चले जाते और गोप ग्वाल चले जाते, पर बालकों को और कृष्ण और बलराम को तो निश्चित रूप से लाना है, ऐसा क्यों कहा? थोड़ा सा सहम गए नंद बाबा ने तो कुछ न कहा। यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी, क्योंकि याद रखना ठाकुर जी कई बार जब भी मक्खन खाते थे, मैया का काम था अपने हाथ से ताजा ताजा मक्खन खिलाना। ठाकुर जी ने खूब मक्खन खाया है, आज तक भी खा रहे हैं, बहुत प्रिय है कन्हैया जी को मक्खन। लाला तोहे भूख लगी होगी, सबने भोजन कर लिया है, माताएं सबको खिलाकर खाती हैं, तो अभी मेरा